हैं जी अबाउट द नोबल मेटल्स। अब ये नोबल गैसेस तो हमने पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा शरीफ होती हैं और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते बिकॉज उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबल मेटल्स। मतलब इसका भी यही है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये मेटल्स हैं, इनके केस में ऐसा नहीं है कि इनका वैलेंस कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये रिएक्ट नहीं करती। इसमें हमारे पास हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को, इनके यूजेस को, और ये किस लिए यूज़ होते हैं उसकी वजह क्या है। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड जो है उसको हम ज्वेलरी में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये आपको दिखाई गई है जी ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, ये दरमियान में पाई जाती हैं बिटवीन द मेटल्स इन द मतलब जो लेफ्ट में हमारे पास होती हैं अल्कली मेटल ग्रुप वन में, ग्रुप टू में होती है अल्कलाइन मेटल्स, और राइट साइड पे हमारे पास एंड वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो होता है नोबल गैसेस का, और उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाती हैं और उसके बाद मेटलॉइड्स आ जाती हैं, और ये बिल्कुल दरमियान में जो हमारे पास ब्लॉक पाया जाता है जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये तीन सीरीज आपको नजर आ रही हैं, ये तीन सीरीज में हर सीरीज में 10 एलिमेंट है, यानी यहाँ पर आपको एस सी से लेकर जिंक तक जो है वो नज़र आ रही हैं, 10 एलिमेंट्स हैं और ये 10 एलिमेंट की एक सीरीज़ है। उसके बाद ये आपको एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक एक सीरीज़ नज़र आ रही है, इसमें भी अगेन 10 एलिमेंट है। उसके बाद इसी तरह से एक्टिनाइड सीरीज़ है, एक्टिनाइड सीरीज़ को आप निकाल दें वो नीचे एफ ब्लॉक में चली जाती है, यहाँ पर आपके पास मरकरी तक अगेन जो है वो 10 एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन मेटल में तीन सीरीज़ हैं और हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं, ये हो गई ट्रांजिशन मेटल्स आपके पीरियोडिक टेबल में। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक में, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स और डी ग्रुप एलिमेंट्स। जो डी ग्रुप एलिमेंट अभी हमने देखे, ये ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक या डी ग्रुप, ये डी ब्लॉक होना चाहिए थे यहाँ पर, दिस इज मिस्टेक, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, तो ये क्या है जी, जिनका डी ऑर्बिटल जो है वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, कंप्लीट नहीं है। डी ऑर्बिटल कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और डी ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये डी ग्रुप भी है, इट्स ओके, डी ग्रुप भी कहते हैं और डी ब्लॉक भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं। और दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि इनकी कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, चूंकि इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और डी ऑर्बिटल जो है ये इनका कंप्लीटली फिल नहीं होता, वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। थ्री सीरीज हैं और हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स है जो कि मैंने आपको शो करवा दिए हैं अभी। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप 11, ग्रुप 11 की बात कर लेते हैं, एक बार पीछे जाकर हम पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे ग्रुप 11 में है क्या। देयर ग्रुप 11, यहां पर अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, राइट जी, ये आपको ग्रुप 11 नजर आ रहा है। ग्रुप 11 में आपके पास एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर, उसके बाद है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा हमने प्लैटिनम को भी देखना है, ये प्लैटिनम यहाँ ये नजर आ रहा है आपको, ये ग्रुप 10 में है, राइट। ओके जी, ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप 11 केमिकल बिहेवियर फर्स्ट, अच्छा जी, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका केमिकल बिहेवियर बिल्कुल एक्टिव मेटल्स की तरह है। एक्टिव मेटल्स का मतलब लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिल्कुल उन्हीं की तरह ये इनका जो बिहेवियर है वो है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी उसकी तरह है, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर में क्या एक्सेप्शन है कि ये उन मेटल्स की तरह एक्टिव नहीं है, उन मेटल्स की तरह रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो थ्री ट्रांजिशन मेटल हैं जो बिलोंग करती हैं ग्रुप 11 से, जो अभी मैंने हाईलाइट भी की, वो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यानी सी यू ए जी और ए यू। आउट ऑफ देम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स की हम बात करते हैं, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और एक्टिव वो जो रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जो जिनको हम इनएक्टिव कहते हैं, उसमें हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है। रीज़न, मेटल्स ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, चूंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती इसलिए ये रिएक्टिव भी नहीं है। सिल्वर की बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले सिल्वर जो है वाइट लस्ट्रस मेटल है, वाइट है और लस्ट्रस, यानी इसमें चमक है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत अच्छा डक्टाइल और मैलिएबल है, यानी इजिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड कैन बी हैमर्ड इनटू वायर्स। इसके अलावा पॉलिश्ड सरफेस, गुड रिफ्लेक्टर्स, इसकी जो सरफेस है इसको अगर हम पॉलिश जो होती है वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर है लाइट की,
तो लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से बहुत एलिगेंट लगती है ये। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई सिल्वर इज अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव। तो इसमें ये होता है कि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो ऑक्साइड की है सल्फाइड की लेयर इसके ऊपर बन जाती है बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और सल्फेट्स, ये इसको बना देती है अनरिएक्टिव। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि एयर इसको रिएक्ट नहीं, एयर इसको जो है वो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे तो ये टार्निश हो जाएगी। टार्निश का मतलब ये होता है कि इसकी चमक खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहली बात हमने ये की कि इसमें जो ये अगर ऑक्साइड्स के साथ ये सल्फाइड्स की लेयर बना ले अपने ऊपर तो उसकी वजह से ये अनरिएक्टिव हो जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं तो ये क्या हो जाएगी, टार्निश हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखो तो ये जो आपको लेफ्ट वाला स्पून नज़र आ रहा है ये टार्निश नहीं हुआ, जबकि राइट वाला जो है वो टार्निश्ड है, यानी वो क्या हो गया, उसकी जो लस्टर है उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से टार्निश हो जाएंगे और रिएक्ट कर जाएंगे एयर के साथ। यूजेस ऑफ सिल्वर की बात करें तो ये कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से डेंटल प्रिपरेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो फिलिंग होती है दांतों में उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर को। इसी तरह फोटोग्राफिक फिल्म्स में भी, और इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका मिरर इंडस्ट्री में। ठीक है, मिरर बनाने के लिए भी हम सिल्वर को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने साथ पिक्चर्स भी ऐड कर दें ताकि आप लोग देख लो और आप लोगों के दिमागों में कुछ ना कुछ रह जाए। राइट जी, सो इसका यूज़ है जी कॉइन्स में, ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी बनाने में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में, दांतों में जो फिलिंग्स के लिए हम प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं डेंटल प्रिपरेशंस, उसमें और मिरर इंडस्ट्री में। राइट, यूजेस इंपॉर्टेंट है सिल्वर के भी, आगे जो हमने गोल्ड और प्लैटिनम के पढ़ने हैं उनके भी यूजेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया है, व्हाई सिल्वर इज अनरिएक्टिव विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड लेयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड जो है वो येलो सॉफ्ट मेटल है, सिल्वर जो है वाइट लस्ट्रस थी, लेकिन ये क्या है जी, येलो है, सॉफ्ट है, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल और डक्टाइल है वो हमारे पास गोल्ड है। और 1 ग्राम, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि 1 ग्राम जो गोल्ड है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर में। आप इसी से देख लो इसकी डक्टिलिटी कि इसको हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं 1.5 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई गोल्ड इज एनर्ड और व्हाई गोल्ड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, और दूसरी क्वेश्चन ये है कि एनर्ड क्यों है। नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसको इफेक्ट नहीं करता। अगर कोई मिनरल एसिड या बेस भी प्रेजेंट होगा तब भी ये इफेक्ट नहीं होगा एटमॉस्फेयर से। जबकि हमने सिल्वर में ये पढ़ा था कि अगर कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट हो, जिस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर प्रेजेंट हो तो वो टार्निश हो जाता है, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट है, गोल्ड जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, अनरिएक्टिव रहेगा। इसी इनर्टनेस की वजह से, इसी वजह से कि एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं होता, इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स में और कॉइन्स बनाने में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उस सॉफ्ट गोल्ड को हम एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इसको हम किसी ना किसी दूसरे मेटल के साथ अलॉय इसका बनाकर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ या किसी और मेटल के साथ। हमेशा हमारा गोल्ड जो है वो अलॉय होता है। जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो कभी भी प्योर गोल्ड हो ही नहीं सकती, बिकॉज प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो हमें थोड़ी बहुत किसी ना किसी मेटल के साथ उसकी उसका अलॉय बनाना पड़ता है। राइट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अपनी बुक से, व्हाई गोल्ड इज एनर्ड और व्हाई गोल्ड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है। 24 कैरेट गोल्ड सुना होगा जी, 24 कैरेट का गोल्ड है और 22 कैरेट का गोल्ड है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। जो 24 पार्ट्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए हमारे पास, आप समझ लो ये एक स्टैंडर्ड है प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए, एक 24 कैरेट और एक 22 कैरेट। जो 24 कैरेट है उसमें 24 जो पार्ट्स हैं वो गोल्ड के हैं, और उसके साथ कोई और दूसरी मेटल नहीं है, ये कम्प्लीटली प्योर गोल्ड है। जबकि जो 22 कैरेट गोल्ड है, जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है हमारे पास, वो कम्प्लीटली प्योर नहीं होता। उसमें 22 जो पार्ट्स हैं, जो 22 पार्ट्स हैं वो हमारे पास प्योर गोल्ड के होते हैं, और जो 2 पार्ट्स हैं वो किसी और मेटल के, लाइक सिल्वर के या कॉपर के होंगे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 कैरेट जो गोल्ड है उसमें 24 पार्ट्स ही गोल्ड के हैं, लेकिन जो 22 कैरेट है उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के हैं और 2 पार्ट्स हैं वो किसी और मेटल के हैं। वाइट गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट्स एलॉय विद प्लैटिनम, निकल और जिंक। अगर हम गोल्ड का एलॉय बनाएं प्लैटिनम के साथ, निकल के साथ या जिंक के साथ, वाइट गोल्ड बनता है और इसकी अक्सर डिजाइनिंग हुई होती है गोल्ड के साथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम, प्लैटिनम इज वेरी मोस्ट प्रीशियस मेटल, जो महंगी मेटल है, प्रीशियस जो मेटल है, ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था, वो अगर आपको वो डू यू नो वाला टेबल याद हो तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल है वो प्लैटिनम है। ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वाई प्लैटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इसका कलर बहुत प्यारा लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है प्लैटिनम, बहुत डिसेंट लगता है। कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू टार्निश, इट इज़ अगेन रेजिस्टेंट टू टार्निश। इस तरह से हमने गोल्ड का कहा कि वो भी रेजिस्टेंट टू टार्निश है, इस तरह से प्लैटिनम जो है वो भी टार्निश नहीं होता, इसका जो लस्टर है, जो इसकी चमक है वो मेंटेन रहती है। सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड, यानी इसके ऊपर अगर हमने डायमंड लगाना है इसके ऊपर तो वो बड़ी अच्छी सेटिंग होती है उसकी, यानी ऐसे नहीं होता कि डायमंड इसके ऊपर सेट ही ना हो पाए, ये इसकी बड़ी एक मज़े की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको हम ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ प्लैटिनम, अगेन मैंने आपको बताया कि यूजेस जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो यूज़ होता है फॉर कन्वर्टिंग द टॉक्सिक गैसेस, जिस तरह से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सॉक्स और नहीं कॉक्स और नॉक्स कहते हैं मैंने, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रो ऑक्साइड आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए लेस हार्मफुल में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेस टॉक्सिक है, ठीक है, यानी टॉक्सिक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे लिए टॉक्सिक होती है। तो हमने क्या किया, हमने टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हम नाइट्रोजन में और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि उसे टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना होता है। तो इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है एलॉय ऑफ प्लैटिनम, प्लैटियम एंड रोडियम, इन तीनों चीज़ों का एलॉय होता है। जो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड पोर्शन नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, वो इन्हीं तीन मेटल्स का एलॉय है, प्लैटियम, प्लैटिनम, प्लैटियम और रोडियम। इस डायग्राम के आपको पार्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपको जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ा फेमिलराइज हो जाओ कैटालिटिक कन्वर्टर से, या आपका 10th में भी डिस्कस किया हुआ है एक चैप्टर में। ओके, सो प्लैटिनम, प्लैटियम और रोडियम का जो एलॉय है वो हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमें पता है क्या होता है, जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, राइट। सो ऑटोमोबाइल्स में जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है जी प्लैटिनम का हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स में, जिस तरह से आपको यहाँ पर इमेज में भी नजर आ रहा होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम LCDs में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए जी यूजेस ऑफ प्लैटिनम। आप लोगों ने याद करना है जी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, आपके पास साइड बॉक्स है आपकी बुक पर 24 कैरेट गोल्ड का, वाइट गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड, और उसके बाद प्लैटिनम, यूजेस इनके इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस जो मैंने लिखवाए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 24 कैरेट गोल्ड भी आया हुआ है पास्ट पेपर में, ठीक हो गया जी, थैंक यू।